हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गाइस दोबारा से माइनक्राफ्ट की एक और मजेदार वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने एंडर ड्रैगन को मारा था, तो गाइस इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एंड में और लेके आने वाले हैं इलाइड्रा। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। अब सबसे पहले गाइस हम प्रिपरेशन कर लेते हैं इलाइड्रा लाने के लिए, मतलब अपने को एंड में जाना है तो थोड़ा बहुत सामान तो अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले है ना, मैंने फैदर फॉल इनके पोशंस बना लिए हैं, क्योंकि जो वहाँ पे जो वो शल्कर्स होते हैं वो अपने को उड़ा देते हैं वहाँ पे, और अगर आप वहाँ से गिर जाएंगे तो अपने को डैमेज मिल सकता है, आप मर भी सकते हैं। और गाइज मैंने नाइट विजन के पोशंस भी बना लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो अपने को जो एंड सिटी है उसको ढूंढने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और गाइज फूड के नाम पर अपने पास ये गोल्डन कैरेट्स हैं, तो इनको ले लेते हैं थोड़ा सा। बाकी मैंने अंडर चेस्ट में काफ़ी कुछ रख रखा है, ये अपने साथ ही चलेगी। और छोड़ो यार, मैं सोच रहा हूँ गाइज आप है ना गोल्डन एप्पल ही ले लेते हैं, अपने पास गोल्डन एप्पल्स भी पड़े हैं, ये भी मतलब कोई काम तो आने नहीं है तो इनको ही ले चलते हैं, गोल्ड की कोई कमी तो है नहीं अपने पास। और गाइज मैं सोच रहा हूँ ब्लॉक्स ले जाऊँ, तो ये मैं डीप स्लेट भी लेके जा सकता हूँ, अपने पास ये भी बहुत सारे हैं, पर मैं गाइज ये स्मूथ स्टोन लेके जा रहा हूँ, ये थोड़ा ठीक ठीक लगते हैं देखने में, तो मैं इनको ही लेके जा रहा हूँ। और गाइज थोड़े बहुत स्टोन के स्टैक है ना, आप इसमें भी रख देते हैं, क्या पता अपने वहाँ पर ख़त्म हो जाए तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो गाइज अब हम बिल्कुल रेडी है, आप मेरी इन्वेंट्री में सामान देख लो, अपने पास नाइट विजन के पोशंस हैं, स्लो फॉलिंग के पोशंस हैं और ब्लॉक्स है, और बस और कुछ नहीं अपने पास। तो चलो गाइज अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलता हूँ। तो ये रहा गाइज अपना एंड पोर्टल, तो यहाँ से गाइज चलते हैं, अब देखते हैं अपने को, क्योंकि गाइज मैंने ना लास्ट वीडियो में एंड ड्रैगन को तो मार दिया था, पर ये वाला एरिया मैंने एक्सप्लोर नहीं करा था, मेरे को ये पता नहीं है कि अपना जो एंड सिटी के लिए जो गेट होता है वो, तो अपने को वो ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं गाइस इस साइड में, कहीं पे मिल जाए तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो अपना। यहाँ पे गाइस अंधेरा बहुत ज़्यादा है, और गाइस ये एंडरमैन भी यहाँ पे घूमने लग रहे हैं, ये देखो पंगे भी ले, मतलब ये पंगे लेते हैं यार, बेफालतू में पंगे ले रहे हैं, मैंने किसी को देखा भी नहीं है, फिर भी ये यार क्या चक्कर है इनका पता नहीं। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना एक नाइट विजन का पोशन पी लेता हूँ, ज़्यादा अंधेरा है। अरे पी लें दे भाई नाइट विजन का पोशन यार, तो रहने देते गाइज, वो अपने को दिख ही गया है वहाँ पे पोर्टल। तो ये रहा अपना पोर्टल, यहाँ से आप चलेंगे गाइज एंड, देखेंगे अपने को कहाँ मिलती है एंड सिटी। और यहाँ पे तो वहाँ मतलब ये बिल्कुल वॉइड में, मेरे को इसी बात का वो था कि ये वॉइड में ना हो, यहाँ होती तो थोड़ा इजी हो जाता। तो फटाफट गाइज यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब बनाते हैं स्टे टाइप का और वहाँ चलते हैं। तो गाइज मैं पोर्टल तक तो आ गया हूँ, पर यार मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे मैं एंडर पल लाना भूल चुका हूँ, और अब यहाँ से मेरा वापस जाने का कोई मूड नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज यहाँ पे ना ऐसे जो अपा डाइव करके जाते हैं ना वाटर बकेट से, तो उसी तरीके से जाएंगे, पर उससे पहले ना गाइज मैं यहाँ पे ना ये एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, ताकि मतलब एंडरमैन वगैरह वहाँ से देखें या दिख जाएँ गलती से, कुछ भी सीन हो सकता है तो एकदम से मैं वर्ल्ड में ना गिर जाऊँ। तो फटाफट गाइज यहाँ पे मैं ना एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। तो गाइज अपना प्लेटफॉर्म तो कंप्लीट हो गया, और मेरे को दिख रहा है कि एंडरमैन आ लग रहा है मेरे को मारने, ये देखो अगर मैंने अब ये बनाया ना होता ना प्लेटफॉर्म सही से, तो ये फेल देता अपने को धक्के में, आए इनकी दिमाग में खराबी होती है इनकी, बेफालतू में मार लग रहा है कि ये। अब यहाँ पे गाइज अपने को ऐसे वाटर बकेट डाल के अंदर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर मेरे को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे मैं अंदर फ्लोट करके जा सकूँ। तो अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं वाटर डाल के देखता हूँ, और यहाँ से तो मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, मेरे को अपने सिर के ऊपर भी गैस ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिए, अब देखते हैं अब शायद मैं आराम से फ्लोट करके जा सकता हूँ अंदर। अब चलते हैं गाइस, और ये हम आ चुके हैं, कहाँ पे स्पॉन हुआ है ये, अरे ये क्या हो गया गुलाबी गुलाबी सारा कुछ। चलो गाइस अब देखते हैं अपनी एंड सिटी कहाँ मिलती है अपने को, हैं अरे वाह भाई साहब किस्मत देखो गाइस, अपने को स्पॉन होते ही बिल्कुल सामने एंड सिटी, मतलब कमाल है यार, कमाल हो गया, इतनी खतरनाक किस्मत किसी की कैसे हो सकती है। और इसमें एंड शिप भी है गाइस, वो दिखने लग रही है मेरे को, एंड शिप भी है इसमें, तो यहाँ चलते गाइस फटाफट, मतलब मज़े वाली बात होगी यार अपने को, मतलब इतना ईजी हो गया अपने लिए, नहीं तो मैंने तो ये सोचा था पता नहीं कितने आइलैंड अपने को खोजने पड़ेंगे तब जाके अपने को मिलेगा सामान। तो अपनी बो रखते नीचे और चलते गाइस ये रेसल कर,
भाई साहब अब अपने वर्ल्ड के अंदर गाइस आपका भी शेल्कर को बॉक्स बनाएंगे, इनको मारते हैं गाइस फटाफट। अरे ओए बोल रही इधर आ, टेलीपोर्ट हो गया क्या? पता नहीं गाइस टेलीपोर्ट हुआ है नहीं हुआ। ड्रॉप कराएगा यार, इन्होंने तो कुछ भी ड्रॉप नहीं करा गाइस। और भी होंगे ऊपर, मतलब यहाँ से आपा शेल्कर, एक तो शेल्कर बॉक्स बनी जाए, इतना तो मैं इनको मार के जाऊँगा, इनको सबको मारूंगा देखना गाइस, अभी एक को भी नहीं छोड़ूंगा गाइस मैं। अरे इसने भी कुछ नहीं ड्रॉप करा यार। चलो गाइस यहाँ से ऊपर चलते हैं, एंडरमैन भी घूमने लग रहा है बाहर, जूं जूं करता। और ये क्या जगह है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं क्या? ओ आवाज़ तो आ रही है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं गाइस वो, यहाँ से ऊपर तो नहीं जा सकता यार मैं। बाकी मैंने फैदर फॉलिंग का पोशन पी रखा है। अरे किसी ने मारा है, कौन मार रहा है? ऊपर से मार रहा है गाइस। हाँ गाइस ये रहा ऊपर है, अभी इधर आओ, आ जा। कहाँ गया वो यार? इसने भी गाइस कुछ भी नहीं ड्रॉप करा, तो अपना इफेक्ट ख़त्म होने के लिए वेट करते हैं। इफेक्ट ख़त्म हो गया क्या? हाँ हो गया। अब इस साइड में चलते गाइस, पूरे को एक्सप्लोर करूँगा मैं, यहाँ पे भी एक और एसल कर। छोड़ो गाइस पहले इस साइड नहीं जाते, पहले इस साइड चलते हैं, ये रहा एक चल कर। तो फटाफट मैं जाके ना इसके अंदर घुस जाता हूँ, ताकि ये इसके इफेक्ट से मैं हवा में ना चलता हूँ। यस गाइस इसने अपने को दो ये पिड्डे से दे दिए गाइस, इसका इफेक्ट खत्म हुआ तो मैं ये कोलेक्ट करूँ। और यहाँ ऊपर से भी आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है? ये रहा, अगर मैं गाइस इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ता हूँ तो ये क्या करेगा? अच्छा ये टेलीपोर्ट करता है, ये भी टेलीपोर्ट करता है क्या? कहाँ गया ये टेलीपोर्ट होके? पता नहीं यार, दिख तो नहीं, कहाँ गया? पूरी हुई आवाज़ तो आ रही है इसकी, देखते हैं ऊपर चढ़ के देखते हैं गाइस क्या, कहाँ गया वो? ये रहा, इसको बो से मारना पड़ेगा, इधर आ। ओहो इसने कुछ ड्रॉप नहीं किया यार, अंदर चलते हैं नहीं तो वो लगेंगे इफेक्ट। अच्छा ठीक है, ब्लास्ट हो गया। अच्छा ये ब्लास्ट हो जाते हैं क्या अपने आप? तो चलो उस साइड में चल के देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। ये देखो गाइस यहाँ पे एंड शिप है, मैं चाहूँ तो गाइस अभी भी लाइटर लेके आ सकता हूँ, पर नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी पहले इनको मारेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की लूट लेंगे क्या कुछ लूट है यहाँ पे। और हाँ गाइस मैंने अपनी वाटर बकेट वहाँ पे यूज़ करी तो वो खाली हो चुकी है, तो जाने के लिए एक वाटर बकेट यहाँ से ले लेते हैं, वो तो मैंने रखी हुई थी यहाँ पे। ओ गाइस यहाँ पे अपने को 5 डायमंड मिले गाइस, ये ले लेते हैं और चलते हैं गाइस आगे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इस चेस्ट में कुछ है क्या, देखते हैं गाइस। इस चेस्ट में भी कुछ सामान नहीं है खास गाइस, क्योंकि ये सब तो मेरे पास है ऑलरेडी, ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए ही नहीं है। तो गाइस अब यहाँ से ना उस साइड में अपनी एंड शिप है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से कूद दूँ पूरा एंड शिप तक। तो पहले ये जो शेल्कर बैठे हैं ना इनको लपेट लेते हैं, नहीं तो ये परेशान ही करेंगे बाद में। तो अपनी बो से मारते हैं इनको, ले एक तो गया, अब ये दूसरे को भी मारते हैं, ये दूसरा भी गया। अब चलते हैं गाइस शिप पे, मैं सोच रहा हूँ गाइस सीधा ही कूद जाऊँ इसके ऊपर। यहाँ पे एक और पिड्डा मिल गया गाइस हमें, इसने नीचे की तरफ इसने कुछ ड्रॉप नहीं किया। और यहाँ से अंदर चलते हैं गाइस, इस ब्रूइंग स्टैंड के अंदर कुछ है क्या? क्या है, इंस्टेंट हेल्थ के 2 पोशन है गाइस, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक शर्कर है लास्ट। ओ गाइस फाइनली वो देखो गाइस अपनी लाइटर भी है यहाँ पे, इधर आजा भाई इधर आजा। ओहो गाइस ये रही गाइस लाइटरा, मतलब इस दिन का वेट मेरे को पहले दिन से था, अपने पास कब लाइटर आएगी और कब आप उड़ेंगे और नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। इन चेस्ट में तो कुछ खास सामान है नहीं गाइज, तो सबसे पहले गाइज मैं अपनी अंडर चेस्ट को यहाँ रखता हूँ। तो गाइज मैं कोई रिस्क नहीं ले जाता, तो सबसे पहले गाइज ये लाइटर को अपनी अंडर चेस्ट में रख देते हैं और इसको उठाते हैं यहाँ से। और अब निकलते हैं गाइज, अपने ने फैदर फॉलिंग का पोशन तो पी रखा है, तो मैं यहीं से कूदने वाला हूँ। और गाइज यहाँ पे ना वो होता है ड्रैगन हेड, उसको भी ले लेते हैं। हैं अरे ये क्या सीन है गाइज, यहाँ पे ना ड्रैगन हेड ही नहीं है, यहाँ पे ड्रैगन हेड क्यों नहीं है यार, क्या मतलब है ये?
तो गाइस यहाँ पे ड्रैगन हेड नहीं दिख रहा मेरे को, अगर आप लोगों को किसी को पता है तो जरूर बताना। और स्लो फॉलिंग का पोर्शन अभी तक यूज में है, तो यहीं से कूदते हैं नीचे और मस्त चलते हैं अपने घर। तो चलो गाइस, यू बिल्कुल मतलब ऐसे उड़ता है, ऐसे लग रहा है लाइट राइट पहनी हुई है मैंने। और यहाँ से गाइस मैंने एक उसको मारा था, तो यहाँ पे भी वो शल्कर जो होते हैं ना वो गिरे हुए होंगे, कहाँ है दिख ही नहीं रहा। ये रे गाइस, ये रे देखो, इनको ले लेते हैं। 13 हो गए गाइस, मतलब 2 से 1 बनता है, तो अपन 6 शल्कर बॉक्स आराम से बना सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं गाइस अब अपने घर। यार ये मतलब ये देखो कि मतलब ये अपनी एंड सिटी है, और कितना पास अपना पोर्टल है यार, मतलब कमाल की बात है यार, इतना पास है यार ये। क्या ये लकीएस्ट चीज़ हुई है मेरे साथ अभी तक गेम में, नहीं तो काफ़ी कुछ गलत गलत भी हुआ है। अब यहाँ से गाइस बस अपने को ना इसे स्टेयर केस ही बनानी होगी, जिससे हम इसके अंदर जा सकें। तो फटाफट गाइस मैं वो बना देता हूँ। तो गाइस ये स्टेयर बना तो लिए मैंने, अब इसके अंदर जाना अपने को। यहाँ से गाइस दोबारा से अपने को वाटर की हेल्प से जाना होगा। अब मैं थोड़ा सही सा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, पिछली बार तो मैंने मतलब ऐसे कुछ भी बना दिया था समस्या परे, तो अब मैं बिल्कुल सही तरीके से बना लग रहा हूँ। अब कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ से मेरे को भी, मैं नीचे गिर जाऊँ या कुछ भी ऐसा सीन हो जाए, बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ ही जाऊँगा मैं। ये देखो ये अंडरमैन भी गुस्सा रहा है मेरे पे, पर इसका कोई चक्कर नहीं है, ये मेरे को मार दे। देखो गाइस मैं बिल्कुल पावर पैक हूँ, और अब अपने को कुछ नहीं करना है, अपनी वाटर बकेट लेनी है और यहाँ डालना है, और अंदर ऐसे झुकना है, और ऐसे गाइस तैर के अंदर जाना है। और ये गाइस हम अपने घर पे, अरे ओ भाई ये कैसे खतरनाक तरीके से ये करवा हुआ है स्पॉन, देख लो गाइस इनको स्पॉन करवाने का तरीका कमाल है। अभी गिरता गिरता बच गया मैं। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं अपने घर। तो बहुत सारा सामान है जो एक्स्ट्रा है, वो मैं एक बारी के लिए यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ रख देते हैं गाइस ये जो भी कुछ है। और सबसे पहले गाइस हम अपनी एलाइट्रा को एन्चांट करते हैं, मतलब यार कुछ भी टाइम वेस्ट करना ही नहीं है मेरे को यार, वो टूट जाएगी क्या हो जाएगा उसके अंदर। सबसे पहले अपने को अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगानी है, तो अनब्रेकिंग और मेंडिंग ले ली। अब फटाफट एनविल पे जाके लगा देते हैं अनब्रेकिंग और मेंडिंग, कोई चक्कर ही नहीं है। ये रही अपनी लाइट्रा, और यहाँ पे पैन ब्रेकिंग 3 लगा देता हूँ, और अब इस पर गैस मेंडिंग लगा देंगे। अब इसको हम आराम से गैस यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरे पास गैस वो रॉकेट्स भी नहीं है, और यहाँ से गैस रॉकेट्स बना लेते हैं। तो अब थोड़ा उड़ के देखते हैं गाइस, लेट्स गो गाइस। ओहो अभी बीकन में सर लग गया यार मेरा। तो गाइस ये देखो गाइस हम इलाइट्रा में फाइनली गाइस उड़ रहे हैं, और यार और क्या चाहिए अपने को यार, मतलब मस्त बिल्कुल मज़ा आ रहा है गाइस। ठंडी ठंडी हवा लग रही है एक नंबर की। आओ गाइस अपनी बिल्ड्स बहुत खतरनाक होने वाली है, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, क्या बात करती है आपने। तो गाइस देखो हम अपनी इलाइट्रा ले आए हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो जा रहा हूँ गाइस उड़ने, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखें।